नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। जी हाँ, हिंदी पर विवाद तेज होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये विवाद थमेगा नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि किच्चा सुदीप के एक बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब राम गोपाल वर्मा तक जा पहुंचा है, जिसके बाद हमने ये देखा कि राम गोपाल वर्मा किच्चा सुदीप की तरफदारी करते हुए नजर आए। तो वहीं अजय देवगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया कि अगर बॉलीवुड ये ठान ले कि वो साउथ अपनी फिल्मों को ले आएगा तो कोई भी वहां पर भी टक्कर नहीं दे पाएगा बॉलीवुड की फिल्मों को। लेकिन अभी तक हमने ऐसा सोचा ही नहीं है, जिसके बाद राम गोपाल वर्मा जो कि बॉलीवुड में लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने अब एक बार फिर से बयान दिया है और जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो आग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा के कुछ अन्य बयान। जी हाँ, आपको बता दें कि राम गोपाल वर्मा का ये कहना है कि बॉलीवुड स्टार्स चाहे जितनी मेहनत कर ले, जितनी कड़ी मशक्कत कर ले, और अगर वह रामचरण, अल्लू अर्जुन जैसे कई सितारों को अगर टक्कर दे पाए तो बात कीजिए हमसे। जी हाँ, राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर से ये बात साफ कर दी है कि साउथ के सामने बॉलीवुड कहीं भी नहीं टिक पाता, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिस तरह से अगर आप कभी सोचते भी हैं अपनी फिल्मों को लाने का तो ले आइए और देखते हैं कि क्या आप रामचरण और साथ ही अल्लू अर्जुन जितनी कमाई कर लेते हैं, जितनी उनकी कलेक्शन हो जाती है मूवीज की, वो बॉलीवुड फिल्मों की हो पाती है या फिर नहीं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि जब अमिताभ बच्चन जिस तरह से फिल्मों में नजर आते थे, हमारे स्टार्स भी उन्हें देखा करते थे और उन्हीं की तरह फिल्में बनाया करते थे जो कि काफी हिट भी होती थी। लेकिन अब बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनने लगी हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। वहीं साउथ फिल्मों की अगर बात की जाए तो साउथ फिल्में शुरू से ही मसालेदार रही हैं, जो कि लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। और साथ ही अब देखने वाली बात है कि राम गोपाल वर्मा के इस बयान के बाद आखिर बॉलीवुड के कितने सितारे अपने बॉलीवुड का स्टैंड लेते हैं, और साथ ही हिंदी भाषा से छिड़ा ये विवाद अब साउथ वर्सेस बॉलीवुड हो गया है, तो आखिर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।